दोस्तों, सर्दी जुकाम आमतौर पर किसी भी मौसम में हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें हमेशा अपने खान पान को मौसम के अनुकूल रखना पड़ता है। वहीं सर्दी जुकाम में अक्सर कफ होने की समस्या होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ या फिर छाती में कुछ जमा हुआ महसूस होने लगता है। शुरुआत में अगर इसे ध्यान ना दे तो आगे चलकर यह लोगों के लिए खतरनाक बन सकता है। बता दें कि कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसे आप कफ के शुरुआती लक्षणों में आजमाएं तो आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। भाप लें। कफ से छुटकारा पाने के लिए आप भाप बेहद ही आसान तरीका माना जाता है। नाक के जरिए भाप लेने से जमे हुए कफ को पतला करने में मदद मिलती है और इस तरह से ये श्वास प्रणाली को आसानी से साफ कर देता है। इसके लिए एक बड़े कटोरे में गर्म पानी भरें। अब सिर को तौलिया से ढकें और 10 मिनट तक गर्म पानी में भाप लें। इससे फेफड़ों में जमा बलगम को निकालने में मदद मिलेगी। आप इस आसान उपाय को पूरे दिन में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का पानी। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से कफ का इलाज करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गर्म पानी गले में दर्द और जलन से भी आराम देने का काम करता है। नमक बैक्टीरिया को मारता है और कफ की समस्या को दूर करता है। इसके लिए सबसे पहले 1/4 चम्मच नमक को 1 ग्लास गर्म पानी में मिला लें, फिर इस मिश्रण से गरारे करें। इस उपाय को पूरे दिन में कई बार दोहराएं। नींबू का जूस। नींबू बलगम को निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। साथ ही नींबू में एंटीबैक्टीरियल और विटामिन सी के गुण भी मौजूद होते हैं जो संक्रमण को कम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच नींबू के जूस को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर उन्हें 1 ग्लास गर्म पानी में डाल दें। अब इस मिश्रण को पी जाएं। इस मिश्रण को पूरे दिन में 3 बार दोहराएं, जिससे आपके गले को आराम मिलेगा और बलगम का उत्पादन कम हो जाएगा। अदरक। अदरक एक प्राकृतिक डिकंजेस्टेंट है जो गले में संक्रमण या श्वसन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लड़ने में सालों तक मदद करता है। इसके साथ ही अदरक में मौजूद एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीपेक्टोरेंट गुण गले में जमाव को कम करते हैं और इस तरह छाती से सांस लेने और छोड़ने में आसानी होती है। आइए जानते हैं अदरक का इस्तेमाल हमें कैसे करें। पहला तरीका, सबसे पहले 1 चम्मच ताजा अदरक का टुकड़ा लें और फिर उसे गर्म पानी में डाल दें। फिर मिश्रण को कुछ मिनट तक उबालने को रख दें। अब उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद पी जाएं। इस अदरक की चाय को पूरे दिन में कई बार पीने की कोशिश करें। दूसरा तरीका, इसके अलावा आप अदरक के टुकड़ों को पूरे दिन में कई बार चबा भी सकते हैं या फिर अपने खाने में भी डाल सकते हैं। हल्दी। हल्दी में बहुत ही प्रभावी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो बलगम में मौजूद बैक्टीरिया को मारते हैं। इस तरह कफ बनना रुक जाता है। इसके साथ ही हल्दी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी को 1 ग्लास दूध में डालें। फिर इस मिश्रण को सुबह और रात को सोने से पहले पी जाएं। शहद। शहद में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो इरिटेटेड गले को आराम देते हैं और कफ को खत्म करते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और संक्रमण से लड़ते हैं। शहद का इस्तेमाल कैसे करें। 1 चम्मच शहद को 1 ग्लास गर्म पानी में मिला लें, फिर इसे पी जाए। इस मिश्रण को पूरे दिन में कई बार दोहराएं। ऐसा करने से आपके गले को आराम मिलेगा।